नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। हम लोग जो लेस चिप्स बनता है, पेप्सिको का ब्रांड है लेस चिप्स, उसी पर एक माम उसी से जुड़ा हुआ एक मामला आया है। जो लेस चिप्स बनाने वाला आलू का जो किस्म था FC5, उसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। उसी पर आज की हमारी यह कक्षा निर्भर है। आइए पूरे प्रकरण को जानते हैं। पेप्सिको के पेटेंट को खारिज किया दिल्ली उच्च न्यायालय ने। मामला क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड वैरायटी एंड फार्मर्स राइट, PPVR। PPVR का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट ने 2021 में आलू की विशेष किस्म FC5 के पेटेंट को रद्द कर दिया है। आलू की यह विशेष किस्म क्या है? आलू की विशेष किस्म का नाम पूछ सकता है आलू की विशेष किस्म क्या नाम है? FC5। पेप्सिको ने इसके खिलाफ अपने पेटेंट FC5 पर PPVER अथॉरिटी के दिए गए निर्णय पर विचार करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जो PPVER ने यह कहा था, इसके पेटेंट को, पेप्सिको का जो आलू की एक विशेष प्रजाति थी FC5, इसके पेटेंट को रद्द कर दिया था उनकी अथॉरिटी ने। तो इस अथॉरिटी के दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार के लिए पेप्सिको ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसकी याचिका को खारिज कर दिया। अब जज जो थे दिल्ली उच्च न्यायालय के जज नवीन चावला ने इस पर पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस अपील में कोई ऐसी योग्यता ही नहीं है जिसके चलते इस पर विचार किया जाए। भारत के पेटेंट नियम बीज किस्म पर पेटेंट की अनुमति नहीं देते हैं। जो भारत का हमारा बीज पेटेंट नियम है, जो हमारा पेटेंट नियम है, यह बीज की किस्म पर पेटेंट की अनुमति ही नहीं देता है। और यह आलू की एक बीज की विशेष किस्म है जिस पर पेटेंट इनको मिला था। तो यह जो PPVR है, जिसने खारिज कर दिया है इसकी अथॉरिटी ने, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसको क्या कर दिया, इनके याचिका को ही खारिज कर दिया। अब आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि और इससे जुड़ी हुई और बातें। एस नहीं है, FC5 है, यह गलत थोड़ा सा प्रिंट हो गया है। आलू की एक विशेष किस्म है जो अपनी कम नमी की मात्रा के लिए जानी जाती है। यह आलू की एक ऐसी किस्म है जिसमें नमी की मात्रा कम होती है, अर्थात यह कुरकुरा होता है। और यह स्नैक्स उत्पादन, जो स्नैक्स बनते हैं इस समय उसके लिए और चिप्स के लिए बेहतर है, आदर्श है। आलू की कौन सी किस्म? FC5 किसकी प्रजाति है? आलू की। अब पेप्सिको लेज चिप्स बनाने में इसी आलू की किस्म का इस्तेमाल करती थी। जो लेज हम लोग चिप्स खाते हैं किसका है? पेप्सिको का। पेप्सिको कहा कंपनी? अमेरिकी कंपनी है। अब मामले की पृष्ठभूमि क्या है? पेप्सिको ने वर्ष 1989 में भारत में अपना पहला पोटैटो चिप्स का प्लांट लगाया था। उसके बाद पेप्सिको किसानों को के एक समूह को FC5 बीजों की सप्लाई करता था। FC5 बीजों की सप्लाई कर देता था, किसानों का एक समूह था और वही उसका उत्पादन करके उसको देते थे पेप्सिको को, अर्थात लेस बनाने के लिए। और पहले से ही किसानों से एक तय कीमत पर उसको दे दिया, कीमत तय हो जाती थी कि एक क्विंटल का इतना, एक किलो पर इतना या उत्पादन का इतना। अब पेप्सिको का क्या कहना था इस पर? पेप्सिको का कहना था कि उसने आलू की इस किस्म FC5 को विकसित किया है और वर्ष 2016 में FC5 किस्म को लेकर पेटेंट हासिल किया है। अब जानते ही हैं पेटेंट ये गलत सही करके हासिल कर लिए होंगे। भारत में थोड़ी सी स्थितियां कहीं कहीं पे लचर हो जाती है, उस लचरता का इन्होंने लाभ उठा लिया। लेकिन कब मामला प्रकाश में आया? इन्होंने कहा कि हमने तो 2016 में ही जो आलू की हमारी FC5 किस्म है उसको लेकर हमने तो पेटेंट हासिल कर लिया। अब पेटेंट हासिल कर लिया तो इस पर हमारा एकाधिकार है। अब एकाधिकार वाली बात कब आई? वर्ष 2019 में फूड कंपनी पेप्सिको ने गुजरात के कुछ भारतीय किसानों पर मुकदमा दायर कर दिया। क्यों दायर कर दिया? इसलिए कर दिया कि वो भी FC5 जो आलू की प्रजाति है उसका उत्पादन करते थे।
और उन्होंने दायर करके यह कहा कि चूंकि यह हमारी विशेष किस्म है, हमने इसको विकसित किया है, हमारा इस पर पेटेंट है, तो बिना अनुमति आप इसको नहीं बो सकते और बेच सकते हैं। यहाँ खैर आगे चलकर यह मामला क्या कर लिया गया, इसको सुलझा लिया गया। कविता दुर्गांती किसानों के हितों के लिए काम करती हैं, जिन्होंने PPVFR में याचिका दायर की तथा इन्होंने पेप्सिको को मिले FC5 आलू की किस्म को मिले जो पेटेंट है उसके एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था अपनी याचिका में कि भारत में जो फसलें बीज द्वारा उगाई जाती है वह पेटेंट की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने याचिका ही दायर कर दी जिनका नाम था कविता दुर्गांती, किसानों के हित के लिए काम करती हैं। इन्होंने जब देखा कि भाई पेप्सिको बड़ी कंपनी है और आकर गुजरात के किसानों पर मुकदमा कायम कर रही है, उनको रोक रही है, तो उन्होंने कहा कि हम PPVFR है जो संस्था है इसके अथॉरिटी की, इन्होंने मुकदमा कायम किया कि जो हमारा पेटेंट अधिनियम है वो बीज की किस्म के लिए पेटेंट नहीं देता है। अथॉरिटी ने इन पर सहमति दायर की और इसके जो चेयरमैन थे KV प्रभु ने आदेश देते हुए इसे रद्द कर दिया, अर्थात पेप्सिको का जो पेटेंट था FC5 आलू के ऊपर उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब क्या है देखते हैं, क्या है PPVER, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं, यह क्या काम करता है। चूंकि यह चर्चा में है इसलिए प्री में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, आइए इसको देखते हैं। PPVR जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स है, PPVER पी फॉर प्रोटेक्शन, पी फॉर प्लांट, वी से वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट, अर्थात पादप प्रकार एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण इसका नाम है, पादप प्रकार एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण, कृषक मतलब खेती किसानी करने वाले लोग। PPVFR 2001 में पारित हुआ, जो PPYFR आउट 2001 में पारित हुआ, इसी अधिनियम के जरिए पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण बना। क्या बना, इसी के जरिए PPVFR बना। पहले यह क्या था, PPYFR था, 2001 में बना, इस अधिनियम आया उसी के तहत यह 2005 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्वारा कृषकों के किस्मों को बौद्धिक संपदा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो कृषक है उनकी जो किस्म है उनको क्या किया जाता है, बौद्धिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात PPVR कब आया, यह 2005 में अस्तित्व में आया, वर्ष 2005 में पूछेगा। आगे यह रही आलू की विशेष प्रजाति FC5 के बारे में, जो पेप्सिको ने जिस पर अपना पेटेंट लिया था। इस मामले को हाई कोर्ट ने पूरे तरीके से, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि हमारा जो पेटेंट का नियम है भारत में वह बीजों की किस्म को पेटेंट देने की अनुमति नहीं देता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें, फिर अगले रोचक तथ्य और जानकारियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।